हेलो एवरीवन, एक बार फिर से स्वागत है आपका यूट्यूब साहिरी चैनल में। फ्रेंड्स, फर्टिलिटी के लिए मैं बहुत सारे घरेलू उपायों के बारे में आपसे बात करती हूँ, बहुत सारी जानकारियां आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। ऐसी ही एक अमेजिंग चीज जो कि आप लाइफस्टाइल में यूज कर सकते हो, तो केवल दो बूंद ही यूज करना है। बहुत अमेजिंग है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं और आपके जीवन में भी बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे अगर आप इसे यूज करना चालू करेंगे। बने रहे वीडियो में लास्ट तक, जाने की अमेजिंग बात क्या है। फ्रेंड्स, इसेंशियल ऑयल के बारे में कभी ना कभी तो आपने जरूर सुना होगा। इसेंशियल ऑयल्स कॉन्सेंट्रेटेड लिक्विड होते हैं जो कि प्लांट से या तो स्टीम के मेथड से या फिर प्रेस करके प्लांट्स के पार्ट्स को निकाला जाता है। ये इसेंशियल ऑयल केवल ऑयल नहीं है, इनके अमेजिंग यूजेस होते हैं और उससे भी कहीं ज्यादा अमेजिंग इनके रिजल्ट होते हैं। इससे कई थेरेपी होती है। अरोमा थेरेपी में इनको यूज किया जाता है। अरोमा थेरेपी से भी बहुत सारी डिजीजेस ठीक की जाती है। फर्टिलिटी में इसके क्या बेनिफिट्स हैं, इसको आप जरूर समझे, जरूर जाने, क्योंकि ये आप अपने से करके और चीजों को ठीक कर सकते हैं। कई मेडिसिन्स बनती हैं, उसमें इन ऑयल को यूज किया जाता है। फूड फ्लेवर्स में भी इनका यूज किया जाता है। लेकिन बात तो हम फर्टिलिटी की कर रहे हैं कि फर्टिलिटी में क्या बेनिफिट है इन इसेंशियल ऑयल्स का। मेल और फीमेल दोनों क्या इसका लाभ ले सकते हैं, किस तरह से यूज करने से इससे हमारी इनफर्टिलिटी प्रॉब्लम ठीक होती है और कौन सी प्रॉब्लम्स में इसको यूज करना चाहिए, इन सारी बातों को हम एक एक करके समझते हैं। फ्रेंड्स, मेल और फीमेल दोनों ही इसेंशियल ऑयल को यूज कर सकते हैं। कई तरह के इसेंशियल ऑयल आते हैं। मैं कुछ खास इसेंशियल ऑयल जो मेल के लिए हैं और फीमेल के लिए, उनकी लिस्ट मैं डिस्क्रिप्शन में दूंगी, तो वीडियो देखते देखते आप डिस्क्रिप्शन में चेकआउट जरूर करें। फ्रेंड्स, आपको लगता होगा कि इसेंशियल ऑयल मसाज वगैरह में कुछ लगाने में यूज होता होगा, लेकिन इससे क्या फायदा हो सकता है, तो सुनिए, यूट्रस की लाइनिंग बनाने में भी इनका रोल है। पुरुषों में सेक्सुअल डिसफंक्शनलिटी को दूर करने में भी इसका रोल है। आपके हार्मोन्स जो बैलेंस नहीं है, पीरियड्स जो कि रेगुलर नहीं है, उनको ठीक करने में भी इनका इफेक्ट है। जो प्राइमरी स्ट्रेस कॉजिंग हार्मोन है कॉर्टिसोल, उसको एकदम से कम कर देते हैं ये इसेंशियल ऑयल। लेकिन तब जब आप इसका इस्तेमाल सही से करें, उसके लिए आप हमारे साथ आगे तक बने रहें। पुरुषों में स्पर्म का कॉन्सेंट्रेशन का अगर इश्यू है तो भी ये इम्पोर्टेंट है। और महिलाओं में स्ट्रेस बहुत ज्यादा होता है, एंजाइटी बहुत ज्यादा रहती है, या फिर आप रिलैक्स ही नहीं हो पाते। ऑफिस से आप घर आ गए लेकिन आपके अंदर एक रिलैक्स वाली फीलिंग आ ही नहीं रही है, क्या करेंगे? इसके लिए हम इसके कुछ यूजेस समझते हैं। लेकिन इसेंशियल ऑयल कौन कौन से हैं? रिलैक्स करने के लिए आप लेवेंडर ऑयल ले सकते हैं, जो कि सूथिंग है, स्ट्रेस को दूर करने के लिए है, रिलैक्स करने के लिए है। बॉडी के अंदर जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो कि हम सांस से, अगर आप मेट्रो सिटीज में रहते हैं तो आप सांस से बहुत सारा पोल्यूशन ले रहे हैं, तो बॉडी के अंदर से कोई एक मैकेनिज्म तो होना चाहिए कि वो सारे जो पोल्यूटेंट्स अंदर गए हैं वो निकल जाए, टॉक्सिन्स रिमूव हो जाए। तो इसेंशियल ऑयल इसमें इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो सारे टॉक्सिन्स आपके बॉडी के ऑर्गन्स के मैकेनिज्म पे असर डालते हैं और इनफर्टिलिटी का आज के समय में बहुत बड़ा रीजन बनते जा रहे हैं। टॉक्सिन्स को दूर करने के लिए सिट्रस इसेंशियल ऑयल जैसे ग्रेप सीड से बनता है आदि यूज किया जाता है। स्पर्म कंसंट्रेशन इंप्रूव करने के लिए, डिसफंक्शनलिटी को दूर करने के लिए लैवेंडर, सैंडलवुड, व्हाइट एक्स ऑयल को भी यूज किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि इसको इस्तेमाल कैसे किया जाना चाहिए। दो तरीके से, एक तो अरोमा के तौर पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपने घर में इसेंशियल ऑयल की कुछ बूंदें स्प्रे कर सकते हैं। इसेंशियल ऑयल बहुत कॉस्टली आते हैं जो कि रियल होते हैं, तो इनको हमको डायरेक्टली यूज नहीं करना होता है। हो सके तो आप किसी और बेस में, जैसे कि अगर आप टॉपिकली यूज करना चाहते हैं, मसाज के लिए यूज करना चाहते हैं, अक्सर हम उसको मसाज के लिए यूज करने का सजेशन देते हैं। उससे क्या होता है कि आपकी बॉडी डायरेक्टली उसको अब्सॉर्ब करती है। तो मसाज के लिए अगर आप ऑयल ले रहे हैं, जैसे सपोज आपने कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल यूज किया, ये ऑयल भी अगर आप परचेस करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे व्यूअर्स वीडियो में बताई गई चीजों को बहुत ध्यान से सुनते हैं और चाहते हैं कि वो उसे यूज करें क्योंकि वो उनके लिए बेनिफिशियल है, तो कोल्ड प्रेस वर्जिन कोकोनट ऑयल का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप उसे भी चेक कर सकते हैं। आप ऐसे ही किसी ऑयल के अंदर कुछ बूंदे, जितनी कि आप मसाज करने वाले हैं, 1 या 2 स्पून ऑयल अगर आप ले रहे हैं बेस ऑयल, उसमें 2 या 3 बूंद इसेंशियल ऑयल के मिला के आप टॉपिकली बॉडी पे मसाज कर सकते हैं। हाथ के तलवे, पैर के तलवे, हमारे सिर पे लगाने से इनका इफेक्ट बहुत अच्छा आता है। इसके अलावा अरोमा थेरेपी से आप अपने घर में इसको स्प्रे करके भी इसका लाभ ले सकते हैं। फ्रेंड्स, इसेंशियल ऑयल अमेजिंग होते हैं और नेचुरली अगर लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करना चाहते हैं, स्ट्रेस फ्री, कूल, बहुत ही प्यार भरा माहौल रखना चाहते हैं, तो
इसेंशियल ऑयल्स को यूज करें, आपको स्ट्रेस में बहुत रिलीफ लगेगा, आपका मन बहुत ही अच्छा रहेगा, आपको स्ट्रेस नहीं होगा, क्योंकि स्ट्रेस की वजह से बहुत सारी इनफर्टिलिटी इश्यूज क्रिएट होती हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये नई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी और आप इसका इस्तेमाल भी जरूर करेंगे। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, अपना ख्याल रखें।